सो हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ARJ बाइक्स। तो भाई आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। देख सकते हो बॉडी। तो आज मैं अपने गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो भाई ये गाड़ी मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ और इसको मैं अभी तक 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और 25,000 किलोमीटर में अभी तक एक भी एक्सपीरियंस मेरे को ख़राब नहीं मिला है फ़िलहाल, तो होप सो ना मिले, क्रॉस फिंगर। तो अभी मैं आपको गाड़ी के बारे में पूरा मॉडिफिकेशन मैंने क्या क्या कराया है, गाड़ी में क्या है, कितना प्राइस लगा है, आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मैं सारा कुछ आपको अभी बताऊँगा डिटेल में। तो आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। बाकी मैं चलो आपको आगे बताता हूँ। गाइज़ मैंने जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन करवाया था अपने गाड़ी में वो है एग्जॉस्ट। मैं स्टॉक गाड़ी में सबसे पहले चेंज करवाया था एग्जॉस्ट, जो कि ये एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो ये। ओह यार हीट है। तो ये AEW एग्जॉस्ट है, आसू इंजीनियरिंग वर्क्स, जो पुणे बेस्ड कंपनी है। इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 20,000 और ये है T102। एक 101 आता है, वो सबसे पहले था, ये दूसरा आया 102, जो कि ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद जो गाड़ी चलाने का मज़ा है वो भाई बहुत ही शानदार है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आवाज़ इतना अच्छा प्यारा आवाज़ आएगा ना, लगेगा कि हाँ 650 गाड़ी अपन चला रहे हैं। एग्जॉस्ट अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो बिल्कुल चेंज करा सकते हो, क्योंकि ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद एक तो परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा, गाड़ी में चलाने का फीलिंग अच्छा हो जाएगा और आवाज़ जो आएगा यार वो तो अलग ही है। पब्लिक रिएक्शन जो मिलेगा उसका अलग फीलिंग होता है, आप खुशी महसूस होगा। बाकी यार ये एग्जॉस्ट था T102 AEW, आसू इंजीनियरिंग वर्क्स, पुणे बेस्ड कंपनी है। एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। बाकी यार एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा ये ज़रूर बताना। बाकी मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। डिबी क्लियर निकला हुआ है, डिबी क्लियर अभी इसमें नहीं है, लगा हुआ है। तो यार दूसरा मॉडिफिकेशन जो मैंने कराया था वो ये है, मोबाइल होल्डर चार्जर है, जो कि बोबो कंपनी की है। ये यहाँ क्लोज ला के दिखाओ, ये देखो, ये बोबो कंपनी की है ये। और इसका जो प्राइस है वो है 2300 पड़ी थी मेरे को। और इसका जो ग्रिप है वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बहुत लोग बोलता है कि बहुत सारा जो मोबाइल होल्डर होता है वो ग्रिपिंग छोड़ता है, लेकिन इसका ग्रिपिंग छूटता नहीं है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा इसका मजबूती रहता है, पकड़ रहता है काफ़ी तेज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको लद्दाख में भी इतना ज़्यादा ऑफ रोड करके आया हूँ और सारे टाइम मेरा मोबाइल, अगर मेरा आप कभी ब्लॉग देखोगे मेरा, तो आप उसमें देखोगे मोबाइल मेरा सारे टाइम लगा रहता है। लेकिन भाई ये कितना भी ऑफ रोड में कितना भी आप तड़पा लो गाड़ी, लेकिन नहीं ग्रिप टूटने वाला है। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा ये लगा है। मेटल का है, बोबो कंपनी की है और 2300 की है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्सन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल देख सकते हो। तीसरा चीज़ आ जाते हैं यार, ये अपना हैंडल। ये जो आप हैंडल देख रहे हो, ये जैसे कि वीडियो इसकी है, आप देख सकते हो प्रॉपर, इसकी एक वीडियो है। R15 की क्लिपॉन से ये दोनों। तो ये जब चेंज मैंने कराया, तो चेंज कराने के बाद भाई इसका जो पॉस्चर है ना, दिखा रहा, ये देखो, इधर से आके दिखाना एक बार। ये देखो पॉस्चर ये हो गया है, पूरा कैफे रेसर वाला पॉस्चर हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है इसको चलाने में। लगता है कि हाँ भाई बाइक अपन चला रहे इंटरसेप्टर। यस आई नो, आप बोलोगे ये भी चीज़ कि ये लगाने के बाद लॉन्ग टूर में दिक्कत होगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसका पॉस्चर चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, मज़ा जो है ना, शौक़ आप कह सकते हो, शौक़ के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। और इस पर अब मैंने तो लॉन्ग ड्राइव अभी तक नहीं किया है, 200 किलोमीटर चलाया हूँ। अब उस टाइम तो मेरे को उतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन एक लॉन्ग ड्राइव करूँगा तो मैं आपको रिव्यू बता दूँगा कि कैसा है। बाकी इसका अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, चैनल में है मेरा वीडियो ये R15 का क्लिपॉन्स। और इसका प्राइस इतना ज़्यादा चीप है, इतना ज़्यादा चीप है कि क्या ही बताऊँ। 1000 रुपये का क्लिपॉन्स है और 500 रुपये फिटिंग, मतलब टोटल 1500 रुपये में ये अपना हो गया। और वही चीज़ अगर आप क्लिपॉन्स लेते जीटी वाला, तो जीटी का क्लिपॉन्स है 8,000-9,000 का लगभग। और उसका अगर ये जो एक आता है क्लैम्प, ये अगर आप लगाओगे जीटी वाला तो साथ में मैंने बात किया था रॉयल एनफील्ड में, तो वो था 14,000 का टोटल क्लिपॉन्स ये सब मिला के 14,000 का सेट था भाई। तो वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था इस इंटरसेप्टर के हिसाब से, तो मैंने सोचा कि एक जुगाड़ लगाया जाए और R15 का मैंने लगाया। अब आ जाते हैं भाई इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर है ये, जो कि ये जो लगने के बाद फ्रंट से जो लुक आता है ये एकदम स्पोर्ट्स वाला है। ये देखो पूरा स्पोर्ट्स वाला फील आएगा, आप अगर बाइक चलाओगे तो अलग ही लेवल का एकदम फीलिंग आएगा, लगेगा कि हाँ कोई चला रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेम्बो का रेसिंग है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, जो है मैं सच बताऊँगा, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है। नट्स एंड बोल्ट्स करके इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पर सर्च करना, आप ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से। और इसका प्राइस सिर्फ 3,400 रुपीज़ है और शिपिंग चार्जेस 100 रुपीज़ है। अब टोटल मिला के फिटिंग वटिंग करा के मेरे को ये पड़ा है 4,000 के। तो इसका देखो आप इधर भी एक क्लच लीवर दे देता है, इधर ब्रेक का दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मास्टर सिलेंडर है, तो ये सब है आपको मिलता है इसमें। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये मॉडिफिकेशन है, मिरर है, जावा का मिरर है जो कि दोनों साइड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये इसको थोड़ा सा इसको जुगाड़ करके लगाना पड़ता है, यहाँ से कटवाना पड़ता है लेथ मशीन से, वो कटवाने के बाद तब ये फिट होता है। और ये काफ़ी अच्छा इसका विजिबिलिटी है, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर इसका प्राइस मैं बताऊँ तो प्राइस इसका भी बहुत ही कम 800 रुपये है, एक का 800 दूसरे का 800, मतलब टोटल 1,600 रुपये का ये प्राइस आपको पड़ रहा है। बाकी इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया प्राइस 800 रुपये है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और वही चीज़ मैं बता दूँ अगर, तो भाई जीटी का जो आता है मिरर वो है 6,000 ही, तो ये भी आप देखो कि कहाँ 1,600 और कहाँ 6,000, तो ये भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छा किफ़ायती में मिल जाता है और अच्छी चीज़ है। हेडलाइट, आप अगर हेडलाइट देखते हो तो हेडलाइट मैंने कुछ इसमें चेंजिंग नहीं कराया, बस बल्ब चेंज कराया। बल्ब है नाइट आई का, नाइट आई का बल्ब है वो, उसका प्राइस है 1,200 में मैंने लिया था, जो कि इसका लाइटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, वाइट लाइट है ये, तो लाइट इसका अच्छा है। थ्रो भी इसका काफ़ी अच्छा आता है इसमें, ऐसा नहीं कि यार वाइट लाइट है तो ख़राब आपको थ्रो मिलेगा, थ्रो बहुत अच्छा रहता है। मेरे बाइक में फॉग लैंप नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं लंबा राइड लद्दाख जैसे राइड करके आ गया हूँ, और लद्दाख वाले राइड में तो मैं सोकर लेक से लेके गुड़गांव एक 24 घंटे में आया था और रात को पूरा ड्राइव किया था, तो बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होता तो भाई मैं ड्राइव ही नहीं कर पाता, इतना तो सबको आइडिया है ही। बाकी अब आते हैं टायर पे, तो भाई टायर पे आते हैं, तो टायर अभी मेरे में लगा हुआ है रैल्को का टायर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसका वीडियो भी प्रॉपर पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप मेरे चैनल में आप देख सकते हो। अब पीछे का आते हैं, तो इसमें लगा हुआ है अलॉय, ये देख सकते हो आप अलॉय लगा हुआ है। अब ये अलॉय है मीटियोर का, रॉयल एनफील्ड मीटियोर का अलॉय है, जो कि 17 इंच का है, 17 इंच का है। और इसका प्राइस है 6,000 ओनली, इसका प्राइस 6,000 पड़ेगा। आप टायर अपने हिसाब से लगा लो, बाकी यार इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है अगर आप अलॉय लगा लेते हो तो। एक तो पंचर नहीं होगी, ठीक है, दूसरी चीज़ की आपका जो लुक जो बढ़ेगा गाड़ी का वो अलग, क्योंकि इसका टायर का जो साइज़ हो जाता है ना वो आपका बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। आप इधर से आके दिखाओ एक बार, ये देखो क्लोज आओ, ये देख सकते हो आप, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और एक चीज़ सबसे मेन जो माइंड में रहता है, अगर आपका स्पोक वाला व्हील है उसमें हमेशा माइंड में टेंशन रहता है कि यार पंचर हो जाएगा कैसे, इतना भारी गाड़ी है दिक्कत हो जाएगा। और मेरा एक बार हुआ है भी, मैं सफ़र कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अलॉय लगाया और अलॉय लगाने के बाद मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और इसका प्राइस 6,000 है तो ठीक है, इतना चलता है, बट जो माइंड को रिलैक्स मिलता है ना ट्रिप में कि पंचर गाड़ी नहीं होगी, ट्यूबलेस है, जो होगा देखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मॉडिफिकेशन मेरे को बेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर और जीटी वालों को ये ज़रूर करवाना चाहिए। और तीसरी चीज़ की बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, बहुत सारे नहीं, 2-3 वीडियोस ही यूट्यूब में है इसके, तो मैं देखा हूँ उसमें बताया कि माइलेज ड्रॉप होता है, लेकिन मेरे हिसाब से माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ है यार, बल्कि मेरा माइलेज और गाड़ी का बढ़ गया है। और फ्रंट में जो मेरा व्हील है वो फ्रंट वाला व्हील है 18 इंच जो स्टॉक वाला है, 18 इंच का स्पोक है, तो इसमें भी रैल्को का लगा हुआ है टायर। टायर का दाम है टोटल 5600 पड़ा था दोनों टायर का, आगे पीछे का। बाकी 18 इंच का है, पीछे 17 इंच का है। तो ऐसे में बहुत लोगों का रहता है माइंड में क्वेश्चन कि 18 इंच 17 इंच में कोई दिक्कत तो नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव करना, सच बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत ही मेरे को बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होता है कि हाँ यार 17 और 18 का चला रहा हूँ, लेकिन चलाने का मज़ा भी बढ़ जाता है, लुक अलग बढ़ता है। लोग पूछते हैं मेरे को प्रॉपर रुकवा के गाड़ी की ये एलॉय कहाँ से लिया, किसका एलॉय, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मेटियोर का एलॉय है। और मेटियोर का एलॉय मैं बता देता हूँ, मेटियोर का एलॉय है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 6000 है, किफ़ायती है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो आप ये मॉडिफिकेशन ज़रूर करवा सकते हो, ये मेरे को बेस्ट मॉडिफिकेशन अपने गाड़ी में लगता है। और एक मॉडिफिकेशन मैं बता रहा हूँ जो कि अपने गाड़ी में है, ये है टैंक। तो मेरी गाड़ी की जो कलर है वो है रेविसिंग रेड, ये यहाँ पे रेड है, इधर ब्लैक है, आपको पता ही होगा इंटरसेप्टर वाले में। तो इसको मैंने रैप कराया, ये पेंटेड नहीं है, इसको मैंने रैप कराया है, जो कि ये करोल बाग से कराया था मैंने। और देखो डिटेलिंग कितना अच्छा है, बिल्कुल एकदम पता नहीं चलता है कि रैपिंग करा हुआ है, मैट में है। तो ये काफ़ी अच्छा, मेरे को ब्लैक कलर पसंद है। अब आप बोलोगे कि ब्लैक कलर जब पसंद है तो ब्लैक क्यों नहीं ले लिए। जब मैं ले रहा था तो ब्लैक कलर की जो इंटरसेप्टर आती थी उसमें ना एलॉय जो स्पोक व्हील था वो सिल्वर कलर का था, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। और इसका जो मिरर वगैरह था वो भी सिल्वर कलर का था, तो मेरे को वो सब पसंद नहीं था, इसीलिए। और इसमें पूरा ब्लैक दिया है और मेरे को ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने इसको रैपिंग करवा लिया। और इसका चार्जेस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये, ओनली 1000 रुपीज़ में ये मैंने कराया है, जो कि ज़्यादा प्राइस नहीं है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी ये इतना अच्छा रैपिंग आपको करके दिया गया है, तो बिल्कुल 1000 रुपया तो बनता है ये। और अब आते हैं, ये जाना का सैडल है ये, तो ये काफ़ी मजबूती है, ये एक गाड़ी को मजबूती दे देती है जाना का। ये देख सकते हो जाना कंपनी की है ये। और इसकी जो प्राइस पड़ी थी मेरे को ये है 2300, मतलब 2300 रुपीज़ की ये पड़ी थी मेरे को। और यहाँ पे जब आप सामान रख दोगे ना तो यहाँ पे बांधने के लिए बहुत ही इजी होता है। इसका मेरा टॉप रेक भी है, लेकिन वो मैं लगाता नहीं हूँ, जब ट्रिप में जाता हूँ तभी लगाता हूँ। बाकी मजबूती देखो, पूरा एकदम लोहा का है, तो अच्छा है जाना का सैडल ये, और काफ़ी किफ़ायती है। 2300 में आपको ये मिल जा रहा है। बाकी आप डोमिनार वगैरह का लोगे ना तो 3000 का ये मिलता है, लेकिन इंटरसेप्टर का आपको ये 2300 का मिल रहा है। और काफ़ी बंजी कोड वगैरह बांधने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से गाड़ी में, अगर आप टूरिंग करते हो तो गाड़ी में ज़रूरी है ये चीज़ लगाना। बाकी और क्या, बाकी सब मस्त है। और गाड़ी में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन और तो है नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये क्लच वायर आप देख लोगे 2-2 है, ये मैंने रूट कराया है क्लच वायर एक एक्स्ट्रा, इधर यहाँ पे है लगा हुआ, ताकि इससे ये हो जाएगा कि अगर मान लो कभी आपका क्लच टूट जाता है ट्रिप के दौरान तो आप उसको अपने से ईज़िली चेंज कर सकते हो। झंझट नहीं रहेगा वो कि अंदर से डालो फिर वो निकालो फिर उसमें एडजस्ट करो, सब किया हुआ है, बस उसको खोलना है नट, और ईज़ी टू फिट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा, अगर आप ये कराए नहीं हो अपने गाड़ी में तो ये ज़रूर करा के रख लेना। कोई भी गाड़ी में आप रूट करा सकते हो, अगर आपके पास कोई भी बाइक है तो आप करवा सकते हो। बाकी ये यार इंटरसेप्टर 650 है रॉयल इनफील्ड की, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी, अच्छी बाइक है, मेरे को तो बहुत पसंद आई है बाइक। और अभी तक मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से, मतलब मेरे को अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी एक प्रॉब्लम हुआ था वो अभी तक तो सॉल्व हो गया है, जैसे कि वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, आपका एक वीडियो भी है इसके ऊपर, कि गाड़ी जब मैं धुलवाता था तो जब गाड़ी धुल के जब वापस आती थी उसके बाद बाइक अगर स्टार्ट करता था तो वो पावर ड्रॉप हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम एक बस हुई थी, वो सॉल्व हो गई। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे गाड़ी में, पूरा फ्रेश है और टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहता हूँ मैं। 25,000 किलोमीटर चल चुकी है बाकी गाड़ी में, और ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। टॉप स्पीड अभी तक 170 तक मैं भगाया हूँ इस गाड़ी को, और भी भागेगा, लेकिन मेरा लिमिट उतना ही है यार 170, वो भी प्रॉपर गियर के साथ, हेलमेट, जैकेट, बूट वगैरह सब कुछ पहन के। और कभी भी आप राइड करें तो यार हेलमेट ज़रूर पहना करें, क्योंकि हेलमेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो समझो कि यार कि आप क्या ही मतलब बाइक, मेरे हिसाब से बिना हेलमेट का बाइक नहीं चलाना चाहिए। अब नॉर्मल तो कोई यार जैसे दूध लेने निकल गया या कुछ लेने निकल गया तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन आप ट्रिप पे निकल रहे हो या कहीं थोड़ा सा लंबा राइड पे निकल रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ। बाकी गाड़ी में यही था और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। 650 जो कि पूरा फुल ब्लैक है, ये देखो चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ गाड़ी एक बार। ये बाकी ये चीज़ यार मेरे को सबसे पसंद आ रही है बाइक में, ये फ्रंट लुक हो गया, ये। तो गाइज़ यही था अपना इंटरसेप्टर का मॉडिफिकेशंस। बाकी कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से आप पक्का कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी रहेगा तो। बाकी जो जो मॉडिफिकेशन मैंने कराया, अगर आपको कराना है तो मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और प्राइस वगैरह तो जैसे मैंने सब कुछ का बता दिया जो जो मैंने करा के रखा है। और यार बाकी सब कुछ अच्छा है, गाड़ी अच्छी चल रही है, बॉडी भी बन रही है, भाई जिम भी करता है थोड़ा बहुत और क्या, सब कुछ मस्त है, मौसम बहुत अच्छा है। अभी मैं गुड़गांव में हूँ, ये है सेक्टर 56, बीच में थोड़ा सा जंगल वाला जैसा है, तो क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने के लिए अपने को शांति चाहिए, और शांति यहीं पे थोड़ा मिला मेरे को। देखो चिड़िया का आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है, नेचुरल नेचुरल। तो यार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।